प्रणाम, हम है जूली रवा, सभी देखा था नहीं न्यूज 18 बिहार झारखंड के भोजपुरी जंक्शन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जल्द ही दिल्ली के पूर्व सीएम बने वाला बड़ान। काहे कि वो ऐलान कर दिले बड़ान कि मंगलवार तक अपन पद से इस्तीफा दे दी है। साथ ही यह कहलन कि जब तक अब उनका के जनता दोबारा मुख्यमंत्री चुन के ना भेजी, जब तक जनता ही फैसला ना सुनाई कि उनका मुख्यमंत्री बने के बाद, तब तक वो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर वापस ना बैठी हन। एकरा साथे वो मांग कैलन कि जन दिल्ली के विधानसभा चुनाव बटे वो समय से पहले करावल जाओ हरियाणा विधानसभा चुनाव के साथ। एकरा के लेके अब कई तरीका के कयास लगावे लागल सभे कि भाई काहे अभी वो इस्तीफा के ऐलान कैलन और काहे चुनाव पहले करावे के मांग करत अरे। एकरा अलावा जौन वो बयान देलन कि हम मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दे हम कि दोसर नेता के मुख्यमंत्री बनावल जाए जब तक चुनाव नहीं हो, तो दोसर नेता के हुई एकरो के लेके काफ़ी कयास लगावल जाता। तीन गो नाम अभी काफ़ी चर्चा में बा, वो तीन गो नाम के कहा वो बता देता नहीं। गोपाल राय मंत्री हमें दिल्ली सरकार में, इनका नाम अभी चर्चा में चला था कि इनका के अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री बनावल जा सका था। एकरा अलावा अरविंद केजरीवाल के पत्नी सुनीता केजरीवाल के नाम चर्चा में बा कि जब जिसे लालू प्रसाद गैल अंतर राबड़ी देवी बनली, वैसे ही अरविंद केजरीवाल के बाद उनकर पत्नी सुनीता केजरीवाल की मुख्यमंत्री बनावल जा सकता। एकरा अलावा तीसरका नाम बटे आतिशी के, जब दिल्ली सरकार में मंत्री बाड़ी। ये तीनों नाम पर लेके चर्चा चला था कि ये तीनों में से क्यों एक हो के मुख्यमंत्री बनावल जा सकता, बाकी अभी तक कोनो बात फाइनल नहीं है। एकरा अलावा केजरीवाल यो कारण कि जो चुनाव बाटे दिल्ली में विधानसभा के चुनाव, ओकरा के पहले करावल जाओ हरियाणा विधानसभा चुनाव के साथ। तो एकरा के लेके कई तरीका के कयास लगावल जाता कि का वो हरियाणा चुनाव पर भी असर डाले के कोशिश करता रहे। अगला सवाल ये उठा था कि जिससे याद हो रहा सभी की कि फरवरी में 2014 साल रहे तब वो एक हाली इस्तीफा दे ले रहन मुख्यमंत्री पद से लोकपाल बिल खाती। वो कहले रहन कि लोकपाल बिल खाती हमार ऐसा 100 बार मुख्यमंत्री के कुर्सी कुर्बान। तो वो घड़ी उनका के जनता के काफ़ी भारी सपोर्ट मिलल रहे, वो दोबारा चुनाव जीत के वापस मुख्यमंत्री बन गिलन। बाकी ये बात के अब कम से कम 10 साल से ऊपर हो गई बा। एकरा चलते अब ये कयास लगावल जाता कि जौन 2014 में भइल रहे वो 2024 में फिर से हो पाए कि ना। अगर ए साल में इलेक्शन होता था कब फिर से जैसे केजरीवाल के बहुमत मिलल रहे वैसे ही बहुमत अब क्यों बार मिली, ये एगो बड़ा सवाल बा। कहे कि तब केजरीवाल काफ़ी नया रहन देश के राजनीति में, उनकर छवि साफ सुथरा रहे, एगो आंदोलन से उठ के आयल रहन तो जनता उनका पर भरोसा करत रहे। अब वो काफ़ी राजनीतिक तौर पर परिपक्व हो गई बड़न, काफ़ी राजनीति जनता उनकर देख ले बा। तो अब ए में एगो ये सवाल उठा था कि का अब की फिर से जनता के सपोर्ट उनका मिली कि ना मिली। अगला सवाल ये उठा था कि एक तरह के बीजेपी कैसे देखा था। तो बीजेपी के कहना बा कि ई केजरीवाल खाली नाटक करता रहे, वो हर बार ऐसे ही नाटक करे ना, अब फिर से एगो नाटक करता रहे, ऐसे कोनो असर चुनाव पर ना पड़ी, ना हरियाणा के चुनाव पर और ना दिल्ली के चुनाव पर। बाकी केजरीवाल अपना तरीका से फिर से एक बार कोशिश कैले बने, जनता से वोट अपील कैले बने कि अगर रउआ मानत नहीं कि हम ईमानदार बनी तो हमारे ईमानदारी पर मुहर लगाई, और जब तक जनता हमारे ईमानदारी पर मुहर ना लगाई तब तक हम मुख्यमंत्री के कुर्सी पर वापस ना लौटम, मुख्यमंत्री के आरू के बनावल जाए मंगलवार तक। केजरीवाल इस्तीफा दे दी है। तीन गो नाम अभी चर्चा में चला था मुख्यमंत्री पद के लेके, आतिशी, गोपाल राय आरू मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पत्नी सुनीता केजरीवाल।